दोस्तों आपका 10th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी के 4th चैप्टर के इस 9th वीडियो में स्वागत है। हम अभी तक 8 वीडियो में आधा कोर्स लगभग कवर कर चुके हैं। जब दोस्तों आपकी 10th हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएंगे तो 4 दिन की चांदनी होगी। महीने बाद कोई नहीं पूछेगा कितने नंबर आए, सिर्फ आपकी नॉलेज आपके साथ रह जाएगी। दूसरा, रिजल्ट आने पर कोई नहीं पूछेगा कि मैथ में कितने आए या साइंस में कितने आए, लोग पूछेंगे मार्क्स कितने आए। पूरा साल मैथ साइंस पढ़कर आप ज्यादातर आप लोग बेरोजगार इंजीनियर बनने की राह पे हैं, और इंग्लिश हिंदी और एसएस सोतेले बच्चों की तरह ना तो कोई पढ़ाता है और ना ही कोई पढ़ता है, सिर्फ रट्टा पेल कर 60-70 नंबर लेकर पास की जाती है। तो फिर देश कौन चलाएगा, कौन समाज के लिए काम करेगा, आईएएस आईपीएस कौन बनेगा? दोस्तों एसएस शायद बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही जरूरी है, हल्के में ना लें, आपकी तैयारी कराने की कोशिश मैं करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे कि ब्रिटेन की इकोनॉमी का वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हाल हुआ, क्यों बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गई, अनाज के दाम क्यों गिरने लगे और किसानों पर कैसे कर्जा चढ़ने लगा, पर दूसरी तरफ अमेरिका में तरक्की कैसे होने लगी और हेनरी फोर्ड का मॉडल क्या था, कंज्यूमरिज्म का यूएस की इकोनॉमी किस प्रकार स्ट्रांग हो गई, उसका क्या संबंध था। वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक रिकवरी यानी कि वापस से इकोनॉमी को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल था। इंग्लैंड की तो बत्ती बंद हो गई थी। वॉर से पहले इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर था और वॉर के बाद सबसे ज्यादा बैंड भी उसी का बजा था। जब ब्रिटेन लड़ाई में उलझ रखा था, जापान में और भारत में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। अब हिंदुस्तान के बाजार में जो पहले इंग्लैंड की पोजीशन थी उसे वापस ला पाना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो रहा था, और वर्ल्ड लेवल पर वो जापान से कंपीट नहीं कर पा रहा था। ऊपर से अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए उसने अमेरिका से दबाकर लोन लिया था। अब हालत ये हुई कि इंग्लैंड बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे दब गया। दोस्तों इससे बुरी हालत इंग्लैंड की वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुई थी। दम तो उसका पहले ही निकल गया था, उसके बाद तो उसने एक एक करके अपने सब कॉलोनीज ही छोड़नी शुरू कर दी। अब देखें लगभग सब देश उसी दौरान आजाद हुए हैं। ना दम बचा था, ना आदमी बचे थे, ना पैसे बचे थे, और हम पढ़ते आए कि सत्याग्रह से आजादी मिली। वॉर का एक फायदा भी हुआ, इससे इकोनॉमी में एक बार को सडनली उछाल आया, क्योंकि एकदम से डिमांड प्रोडक्शन और रोजगार बढ़ गई। भाई जंग के लिए सामान की मांग थी, प्रोडक्शन करनी थी हथियारों की, दवाइयों की, वर्दी की, मशीनरी की, जंग से रिलेटेड हर चीज की, तो साथ साथ काम भी मिलना शुरू हो गया। पर जंग खत्म होते ही जरूरत खत्म हो गई, प्रोडक्शन भी कम अपने आप हो गई और जो रोजगार थे वो एकदम से बेरोजगार हो गए। अब सरकार की भी तो बत्ती बंद हो रखी थी। वॉर में तो अनाप शनाप खर्च होता है, कुछ भी किया जाता है, किसी भी मिलिट्री के लिए एलोकेटेड बजट बहुत ज्यादा होता है। पर जब जंग खत्म हो गई तो सरकार ने उस खर्च को कम कर दिया ताकि टैक्सेस से होने वाली इनकम से काम चले। अब देखो दोस्तों, बेरोजगारी दबा के, कर्ज बढ़ा हुआ, वॉर से टूटा हुआ इंग्लैंड, कोई प्रोडक्शन नहीं, टैक्स कहां से आएंगे? ऐसे में तुम एक उभरते देश को गुलाम रख सकते हो। तो इस कदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली कि 1921 में 5 में से 1 आदमी बेरोजगार था। इससे पब्लिक में बहुत बेचैनी और काम को लेके काफी अनसर्टेनिटी का माहौल था कि आज नौकरी है, शाम तक रहेगी कि नहीं। बहुत सारी एग्रोस इकोनॉमिक्स का भी बेड़ा गर्क था। जैसे वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप से वर्ल्ड मार्केट के लिए काफी गेहूं सप्लाई होती थी, और जब यूरोप में वॉर हुआ तो गेहूं कौन उगाता, सब तो लड़ने गए हुए थे, गेहूं की सप्लाई ठप हो गई। यहां सप्लाई रुकी, उधर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रोडक्शन फुल स्पीड बढ़ा ली। अब जंग के बाद ईस्टर्न यूरोप में फिर से गेहूं की प्रोडक्शन होने लग गई और वीट की मार्केट में अति हो गई, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा गेहूं मार्केट में आ गई। बस तो अनाज की कीमतें गिर गई
और ग्रामीण इलाकों की भी इनकम टूटने लगी और किसान गहरे कर्ज में आ गया। दोस्तों ये ग्रेट डिप्रेशन का आगाज था, अगले वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों यूरोप के कंपैरिजन में अमेरिका में रिकवरी बहुत जल्दी हुई है, यह तो हमने देख ही लिया कि कैसे वॉर से अमेरिका की इकोनॉमी में दम आया था। वॉर के बाद कुछ साल इकोनॉमी की मुसीबत रही, परंतु उसके अमेरिका में 1920 की स्टार्टिंग से ही अच्छी ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई। 1920 से शुरू हुई इस इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बड़ी खासियत थी मास प्रोडक्शन यानी बृहत उत्पादन। यह मास प्रोडक्शन की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी के अंत तक ही हो चुकी थी, पर 1920s तक ही यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक मेजर फीचर बन गया। दोस्तों मास प्रोडक्शन में उतने ही टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर इनपुट कॉस्ट में कमी लाई जाती है, लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। आप कभी प्रिंट करवाने जाएं तो जितने ज्यादा प्रिंट होंगे उतना कॉस्ट पर प्रिंट पर कॉपी कम होता जाएगा। मशहूर कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के पायनियर यानी प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो में स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने के ढंग पर अपने डेट्रॉयट के नए कार प्लांट को डिजाइन किया और वहां मॉडर्न असेंबली लाइन लगाई। उस शिकागो के बूचड़ खाने में जानवर काटकर चलती हुई कन्वेयर बेल्ट पर रख दिए जाते थे, जहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े बुचर अपने अपने हिस्से को उठाते रहते थे, अपना लेते रहते थे। इसको देखकर फोर्ड को लगा कि असेंबली लाइन का यह तरीका कम कीमत में और जल्दी व्हीकल प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरीके में असेंबली लाइन पर मजदूरों को कंटिन्यूअस बार बार एक ही पुर्जा मैकेनिकली यानी जैसे मशीनें काम करती है वैसे लगाना पड़ता था और कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से काम की स्पीड बंदी होती थी और कन्वेयर की स्पीड बढ़ाकर काम की स्पीड भी बढ़ जाती, साथ ही साथ आउटपुट पर वर्कर भी बढ़ने लग जाता। अब जो वर्कर कन्वेयर बेल्ट पर खड़ा है उसे कन्वेयर की स्पीड से ही काम करना है, वो इसे स्लो नहीं कर सकता, 2 मिनट की सांस यानी ब्रेक भी नहीं ले सकता और साथ में काम करने वाले कलीग के साथ गप्पे भी नहीं मार सकता। और इससे हेनरी फोर्ड की गाड़ियां हर 3 मिनट में एक बनने लगी। ये पहले अपनाए हुए तरीकों से बहुत ही ज्यादा फास्ट और असरदार तरीका साबित हुआ। इस मास प्रोडक्शन टेक्निक से बनने वाली फर्स्ट कार का नाम टी मॉडल था। दोस्तों एक काम ही बार बार बिना रुके करने से स्ट्रेस यानी थकान होती है, वही तब वर्कर्स को हुई जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो तो रेस्ट भी नहीं ले पाते थे, तो फिर बड़ी संख्या में फोर्ड साहब की नौकरी छोड़ने लगे। इस नई प्रॉब्लम से निपटने के लिए फोर्ड इन उनकी तनख्वाह एकदम से डबल कर दी और साथ साथ उन दिनों में पनपने वाले वर्कर यूनियन अपने प्लांट से बैन कर दिए ताकि मजदूर एकजुट होकर आवाज भी ना उठा सके। अब भाई तनख्वाह डबल कर दी, इनपुट कॉस्ट तो हेनरी फोर्ड को ज्यादा पड़ गई जिससे घाटा हो सकता था। हेनरी फोर्ड एक तगड़ा बिजनेसमैन था, वो बार बार कन्वेयर की बीच बीच में स्पीड बढ़ाकर अपना घाटा पूरा कर लेता था। फोर्ड बहुत खुश था और एक बार बोला कि कॉस्ट यानी लागत कम करने के लिए इससे अच्छा फैसला उसने कभी नहीं लिया, पर वर्कर्स पर काम का बोझ कंटिन्यूअस बढ़ता गया। अब फोर्ड के इस सक्सेसफुल तरीके को जल्द ही पूरे अमेरिका और बाकी के यूरोप में 1920 की डिकेड में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया। यानी अब कई फैक्ट्री और मिल मालिक इन्हीं तरीकों को अपनाने लगे और इससे मास प्रोडक्शन की वजह से इंजीनियर्ड गुड्स की लागत और फाइनली कीमतें दोनों कम होने लगी। याद है ना, वर्कर्स की इनकम बढ़ गई तो बहुत सारे वर्कर भी कार जैसे ड्यूरेबल यानी टिकाऊ कंज्यूमर गुड खरीद सकते थे और कारों की प्रोडक्शन जो 1919 में 20 लाख थी अगले 10 सालों में बढ़कर 50 लाख। दोस्तों सिर्फ कारों में ही तेजी नहीं आई थी बल्कि और कंज्यूमर गुड्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर जैसे चीजों में भी तेजी थी। लोगों के पास पैसे आ रहे थे तो वे आराम और शौक का सामान ले रहे थे।
ये सब चीजें सिस्टम ऑफ हायर परचेज से खरीदी जाती थी, यानी ये सारी चीजें पहले खरीदी जाती थी और बाद में वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट में उनकी कॉस्ट पे कर दी जाती थी। ये आजकल वाला फाइनेंस और ईएमआई वाला सिस्टम ही तो था। यानी फाइनेंस कराने वाला जब लोग लोन लेकर मकान बनाने लगे या मकान खरीदने लगे तो उससे भी कंज्यूमर गुड्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह में कसूती तेजी आने लगी। ये 1920 का हाउसिंग और कंज्यूमर बूम ही अमेरिका में आई प्रोस्पेरिटी का बेसिस बना। अब जो हाउसिंग और घरेलू चीजें बनाने में इन्वेस्टमेंट हो रही थी उससे जॉब्स बढ़ने लगी। जॉब्स बढ़ी तो लोगों की इनकम भी बढ़ी। इनकम आई यानी बाइंग कैपेसिटी आई तो डिमांड भी आई। डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन और होने लग गई जिससे और जॉब्स आई और फिर इनकमें भी बढ़ने लगी। ये एक साइकिल शुरू हो गया था। 1923 से अमेरिका फिर से कैपिटल यानी पूंजी पैसा एक्सपोर्ट करने लग गया और फिर से वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता यानी फाइनेंस करने वाला देश बन गया। अमेरिका बड़े हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से यूरोप में भी इकोनॉमिक रिकवरी होने लगे और आने वाले 6 साल यानी 1929 तक दुनिया के ट्रेड में और इनकम की ग्रोथ में काफी सुधार हुआ। पर दोस्तों ये ज्यादा देर तक नहीं चला। 1929 के आते आते दुनिया एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में फंस गई, एक ऐसी मुसीबत ग्रेट डिप्रेशन के रूप में आई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये ग्रेट डिप्रेशन था क्या, कब शुरू हुआ, क्या रीजंस थे, एग्रीकल्चर इनकम्स पर क्या असर पड़ा, अमेरिकन लोन से क्या हुआ, खुद अमेरिका जैसे इंडस्ट्रियल कंट्री का क्या हुआ, अपने भारत में क्या असर हुआ, ये सब डिटेल में जानेंगे अपने अगले वीडियो में। मेरी आपके लिए की हुई मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।